प्रेज अलॉट, प्रेज अलॉट, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, आज एक खास संदेश है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के द्वारा या ऐप के द्वारा शादी के रिश्ते ढूंढते हैं। शादी.com हो गया है ना, जीवनसाथी.com हो गया, वगैरह वगैरह। क्या ये ढूंढना सही बात है? देखो, इसमें बहुत सारा क्या मैटर है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप कभी गड्ढे में ना गिरो और आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ ना करो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते वचन प्रार्थना के द्वारा और इस समझाने के लिए प्रकाशन में आपको धन्यवाद करता हूँ कि बहुत लोग हैं जो इस ऐप के द्वारा फंस चुके हैं पिता, लेकिन आज तू उन सबको निकालेगा। हाँ, और नामी के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे अजीजों, ऐप का जो शेड्यूल है यानी कि ऐप का जो कार्यक्रम है वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये संदेश उन लोगों के लिए है जो धोखा खा लेते हैं। जो सोशल मीडिया ऐप होती है या जो वेबसाइट होती है ना, जो आपको जीवन साथी प्रोवाइड कराती है, मिलाती है, आपको पता है उनकी हकीकत क्या है? सिर्फ एक फार्म भरा जाता है, वहाँ पे वो पैसे लेते हैं और वो उनका अतीत नहीं जानते, उनका पास्ट नहीं जानते, उनका प्रेजेंट नहीं जानते, वो लड़का पढ़ा लिखा है ये भी नहीं जानते, पैसे ले लेंगे है ना। क्योंकि जब मैं पाप के जीवन में था तो मैंने सारी वेबसाइट को खंगाल रखा है। वो लड़का अनपढ़ हो, शादीशुदा हो, उनसे कोई लेना देने, सिर्फ वो फार्म भरेगा, वो बीकॉम लिख देगा, वो एमकॉम लिख देगा है ना, वो एलएलबी लिख देगा, वो अपने को कुंवारा बता देगा, वो आपको 30 साल का बता देगा, 25 साल का बता देगा। और आप मान लोगे, सेम लड़कियों में भी है, वो अनमैरिड है वो लिख देगा, वो शादीशुदा है, वो डिवोर्सी है, ये नहीं लिखेगा। और आप उसकी प्रोफाइल देखकर, उसकी बायोडाटा पढ़कर आप अट्रैक्ट हो जाओगे। दूसरी बात, ये पाप में भी क्या करता है, पाप करने के भी उकसाता है। नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, लड़का लड़की को नंबर दे देता है, जब आप ज़्यादा पैसे दोगे, एक क्या कहते हैं उसमें, एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करोगे तो वो दोनों आपको मिलने के लिए बुला लेंगे है ना, या आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। इससे क्या होगा, एक फ्रेंडशिप बन जाएगी, एक लवरशिप बन जाएगी, और जब आँखें खुलेगी तो आप गड्ढे में गिरोगे। उससे पहले प्रभु ने आज आपको सावधान करना है। एक ऐसे एक हादसा हुआ था एक माँ के साथ, उनका फ़ोन मेरे पास आता है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो कहती है अपनी बेटी के लिए, पास्टर जी प्रार्थना करना, मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरी बेटी को जीवन साथी मिले, आत्मिक मिले, और जब जीवन साथी मिला तो वो सोशल मीडिया के द्वारा मिला, तो वो शादीशुदा था। इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं। तो मैंने उसे पूछा कि भाई आपकी शादी मतलब कैसे चाहिए? उन्होंने कहा मेरी सेकेंड मैरिज है, तो पहली मैरिज बताया तो ऐसी, और एक बहन में है वो भी यूपी साइड में है, उनका भी साथ ऐसे हादसा, बहुत सारे ऐसे है जो ऐसा हादसा हो चुका है। आप कहोगे अरे उन्हें शादी की वो नहीं हुआ, देखो बहुत लोग होते हैं जो बच जाते हैं, पर वो उनको बचा लेता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लोगे तो आपको खतरा होगा, क्योंकि ये बात तय है, सोशल मीडिया हो गई, इसमें झूठ चलता मेरे जीजो और आपको फंसाया जाता है, वो चेक नहीं करेंगे, उसके बाद आपका रिस्क है। आइए प्रार्थना करेंगे। वचन जो देगा, वचन जो मिला उसके अकॉर्डिंग मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते वचन प्रार्थना के द्वारा हमारी आँखें खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे अजीजों, वचन से बाहर नहीं है, वचन प्रभु हमें सावधानी भी देता है, ठीक है। और परमेश्वर नहीं कहता, परमेश्वर हमारे जीवन में जीवन साथी परमेश्वर लाएगा। आप कहोगे भाई ये भी जरिया हो सकता है, बेशक ये जरिया हो सकता है, लेकिन पहले प्रभु से पूछो, पहले प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर ऐसे फ्रॉड चीज़ों को जरिया नहीं बनाता है। परमेश्वर अपनी आत्मिकता में आपके लिए जीवन साथी लाएगा। जब पहले मेरी शादी मैं रिश्ते ढूंढता था, मैं कहीं भी पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। आज मुझे ज्ञान है, आज मैं अपनी शादी के लिए सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो बता रखा है उससे शादी हो जाएगी, कब होगी उसको पता है, तो मैं इधर उधर नहीं भागता हूं। मुझे पता है जिस दिन मेरी शादी होगी, जिस दिन प्रभु कहेगा उस दिन हो जाएगी, जिससे बताइए उससे हो जाएगी, मुझे हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे घर बैठे सब कुछ दे देगा। हालेलुया। एक वचन है यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों 15 का 33 अध्याय और 33 वचन, पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति का मतलब है आप नहीं जानते मेरे अजीजों वो सामने वाला कैसा है। आत्मा की परख समझो, पहले आत्मा के परख का वरदान लो और उस साइड जाओ मत। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको शादी नहीं हो रही, रुकावट है, तो प्रार्थना करो, अपने बायोडाटा ऐसी जगह मत दो जहाँ पे शैतान बैठा हुआ है, जब बुरी संगति है,
आप और कोई भी इंसान सच बोल के बायोडाटा नहीं देगा, वो ये नहीं कहेगा। हाँ डिवोर्सी वाले अलग मैटर है, वो भी कहेंगे। देखिए कुंवारे लोग जो जिसकी शादी नहीं हो पाती, वो जिसकी डिवोर्सी है चाहे लड़की लड़का, वो क्या करता है अनमैरिड बन के बहुत प्रोफाइल देते हैं, अपनी जवानी की फ़ोटो लगा देते हैं, फ़ोटो से धोखा होता है, लिखत पढ़ी से धोखा होता है। इससे प्रभु बचाता है आपको, लिखा है साफ शब्दों में, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। सोशल मीडिया पे लोग चैटिंग करते हैं है ना, और प्रेम में पड़ जाते हैं, पता चलता है कि अरे वो तो 50 साल का निकला, फ़ोटो तो उन्हें 20 साल की लगा रखी है ना, पता चला वो लड़की तो 2 बच्चे की माँ है, उन्हें तो भाई फ़ोटो किशोर के लगा रखी है। तो ये धोखे से प्रभु बचाना है, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में जाओगे आपके तभी अच्छे हो, आपके तभी पवित्र में हो। लेकिन आप क्यों जा रहे हो? बुरी संगति में जाओगे तो क्या होगा? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र अच्छा है लेकिन आप क्या करो, मत जाओ। ठीक है, तो ये प्रभु ने वचन दिया है। तो जितने भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ से वापस आ जाए, अपना कैंसिल करवाएं। परमेश्वर विश्वास रखें, परमेश्वर हमें मन चाह वर देने वाला है। वो आँख बंद करके देगा आपके दर्शन पे, आपके सपनों में खुद प्रभु बोलेगा और अपने सरदू को भेजेगा, वो आपके लिए रास्ता खोलेंगे। आई प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ आज आपने बहुतों की आँखें खोली। इस संदेश का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुत लोग जीवन साथी ढूंढने के लिए गलत गलत वेबसाइट पर जा रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, अडल्ट वेबसाइट पर जा रहे थे, फ्रेंडशिप कर रहे थे, और वो अच्छे लोग भी पाप में गिर रहे थे। लेकिन आज आपने इन सबको बचा लिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इनके बच्चे के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज सब लोग वापस आ रहे हैं और ऐसी साइट से पिता परमेश्वर छोड़ रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ताकि पाप में ना गिरे और इनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हाँ नाम के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। संदेश कैसा लगा जरूर बताना, आपकी आँखें खुली ये भी बताना। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। इस संदेश को शेयर करें ताकि कोई भी गड्ढे में ना गिरे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।